हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर डाटा मिसमैच बता रहा है, यानी दोनों पर नेम, फादर्स नेम, DOB अलग अलग है और आप रिक्वेस्ट डालते हैं और आपका रिक्वेस्ट फेल्ड हो जाता है, तो आप इस कंडीशन में अपने आधार पैन कार्ड को किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पैन आधार लिंकिंग करने का जो प्रोसेस था, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब ये सर्विस पेड हो चुकी हैं। जिनका आधार पैन कार्ड एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, तो उनको 500 रुपये का चालान कटवा के लिंक करवाना होगा फ्रेंड्स। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, यदि आपके आधार पैन कार्ड पर डाटा मिसमैच बता रहा है, तब भी आप अपने आधार पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। जो पहले रिक्वेस्ट हमारा फेल हो जाता था, क्योंकि हमारा डाटा मिसमैच होता था, इसकी वजह से हमारा रिक्वेस्ट फेल कर दिया जाता, सक्सेस नहीं होता था। तो यदि आप 500 का चालान कटवा लेते हैं, उसे कटवाने के बाद आप पैन आधार लिंक के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, तो आपका सक्सेसफुली पैन आधार लिंक हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर 500 का चालान पे कर रहे हैं, यानी फीस पे कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आपका पैन आधार एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएगा डाटा मिसमैच बताने के बावजूद भी। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो टोल फ्री नंबर यहाँ पर देखेंगे कॉल अस में, तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर 1800-180-1961 या शॉर्टकट में 1961 डाल के आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी कुछ आपको डाउट लग रहा है, तो आप इन नंबर पर कॉल कीजिए, आपको ये पूरी सहायता करेंगे। हमने इस बात पर हमने इनसे बातचीत की थी, तब हमें पता चला है कि यदि आपके आधार पैन कार्ड पर डाटा मिसमैच है, जैसे कि नाम गलत हो, आधार पर पैन कार्ड पर दोनों में नेम अलग अलग हो, फादर्स नेम अलग अलग हो, DOB अलग 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 हो, उसके बावजूद भी आप अपने आधार पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं, यदि आप 500 का चालान कटवा लेते हैं। तो जो नया सर्विस आया है, इसका यही बेनिफिट है कि हम अपना आधार और पैन कार्ड को डाटा मिसमैच होने के बावजूद भी आसानी से लिंक कर सकते हैं। हमारा रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, फेल्ड नहीं होगा। और मैंने इन टोल फ्री नंबर पर क्या बातचीत हुई थी हमारी, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको सुना दूंगा, तो आप उनको सुन सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को। तो आप यहाँ पर 500 का चालान पे कर दीजिए और यहाँ पर लिंक कर लीजिए, आपका लिंक हो जाएगा। और इधर आपको जब यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर डालते हैं, वैलिडेट पर बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक कंटिन्यू टू पे बटन पर क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर आपको एक प्रोसीड बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको चालान नंबर RTNS 280 वाला ऑप्शन है सेलेक्ट करना होता है। इधर आपको टैक्स एप्लीकेबल में आपको इनकम टैक्स अदर देन कंपनी चूज करना होता है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ इधर आप देखिए इनकम टैक्स अदर कंपनी ये वाला सेलेक्ट करना होता है, तो यही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और पेमेंट मोड भी यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर 500 वाला चूज करना है, तो यहाँ पर यही आ रहा है 500 वाला, तो ये चूज़ कर लीजिए। और नेट बैंकिंग में आप नेटवर्क के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास पेमेंट मोड अवेलेबल है। इसके बाद में परमानेंट अकाउंट में आपका पैन नंबर, असाइनमेंट ईयर में आपका जो प्रजेंट ईयर चल रहा है 23-24, ये सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हाउस नंबर, विलेज लाइन, एरिया, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल एंड मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना। यदि आप इनमें से कोई डिटेल फिलअप ना करें, तो कोई ज़रूरी नहीं, जहाँ पर स्टार्ट चिन्ह आ रहे हैं उन्हीं को भरना कंपलसरी। जैसे कि हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हाईलाइट कर देगा इनको भरना अनिवार्य। जैसे कि हम बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर आप पैन नंबर डाल देंगे, इधर सिटी का नेम, स्टेट का नेम, पिन कोड डाल देंगे, उसके बाद कैप्चा डाल के प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमें पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट आ जाएगा, फिर 4 से 5 दिन वेट करना है, फिर यहाँ पर पैन आधार लिंक कर सकेंगे हम आसानी से। और डाटा मिसमैच होने के बावजूद भी हमारा पैन आधार एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। यदि आप 500 का चालान 30 जून से पहले कटा लेते हैं, तो आपको 500 में काम हो जाएगा, या 30 जून के बाद आप ट्राई करते हैं पैन आधार लिंक करने के लिए, तो 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर 30 जून से पहले ही अपन को 500 का चालान कटवा लेना है, नहीं तो आपका आधार पैन लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का चालान है वो कटवाना पड़ेगा बाद में। और यहाँ पर किन किन लोगों को छूट दी गई, यहाँ पर भी बताया गया है फ्रेंड्स। यदि आपको मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो फ्रेंड्स। इसके लिए वेबसाइट है www.incometax.gov.in, साइट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्विक लिंक में जाएंगे, क्विक लिंक में ऑप्शन मिलेगा सर लिंक आधार का जी। आप वहां से ऑप्शन सेलेक्ट करके लिंक कर सकते हैं, उसमें पेमेंट करना होगा, 500 का पेमेंट करना होगा।
पेमेंट होने के बाद सर आपका पैन आधार कार्ड लिंक होगा पुरान जी। जी सर, मेरे आधार कार्ड में और पैन कार्ड में डाटा मिसमैच बता रहा है, दोनों में नेम अलग अलग है, फादर्स नेम भी, कैंडिडेट का नेम भी और डेट ऑफ बर्थ भी। जी उस कंडीशन में भी लिंक होगा या फिर ऐसा बोल देंगे बाद में आपका डाटा मिसमैच है? पेन नंबर आप ही के नाम से है ना सर, पेन और आधार कार्ड? जी दोनों हमारे नाम पर ही है। लिंक कर सकते हैं सर जी पहले पूरा जी। पहले भी मैंने हम ट्राई किया था, तब डाटा मिसमैच होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया लिंक का जो प्रोसेस था ना वो आगे रिक्वेस्ट। जी अभी ट्राई कीजिए, अभी लिंक हो रहा है सर, अभी ये डाटा अगर आपका मिसमैच अगर आप आप लिंक कीजिए, इसके बाद करेक्शन भी अप्लाई करना होगा, करेक्शन भी आपको अपडेट करवाना होगा। तो सर वो तो करेक्शन तब होगा ना जब आधार पैन दोनों एक दूसरे से लिंक होगा। हाँ तो लिंक के लिए सर ऑप्शन अनेबल है, इस साइड से जाकर आप कीजिए, लिंक कीजिए, अभी लिंक हो रहा है, इसमें 500 पेमेंट करना होगा, लिंक दिया गया पेमेंट करने के लिए, 500 पेमेंट होगा, इसके बाद लिंक होगा सर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड। जी सर, पहले तो ट्राई किया तब तो डाटा मिसमैच होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, अभी जो 500 मांग रहे हैं उसकी वजह से ये लिंक हो जाएगा क्या मैम? जी कितना दिन पहले आपने ट्राई किया था? एक जो अभी वेबसाइट बंद होती थी ना 31 मार्च से पहले ट्राई किया था। जी बिल्कुल 31 मार्च के बाद ट्राई किया था, 31 मार्च के नो बाद आपने अभी? नहीं नो मैम, नो नो नो। हाँ तो अभी अवेलेबल हो चुका है, ऑप्शन को दोबारा से अपडेट किया गया है, हाँ आपका डाटा करेक्ट भी है, फिर भी आपका लिंक हो जाएगा, इसमें आप पेमेंट कीजिए अभी 500, आपका लिंक हो जाएगा, आज के बाद करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे आप पूरा जी। फाइव फाइव यहाँ पर 500 पैक करेंगे तो डाटा मिसमैच होने के बावजूद भी लिंक हो जाएगा किसी भी कंडीशन में? जी बिल्कुल जी लिंक हो जाएगा आपको, और इसके बाद फिर करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर पैन नंबर आधार नंबर डाल के वेरिफिकेशन करके लिंक हो जाएगा तुरंत होगा इसमें, या फिर 24 घंटे का इंतजार करना होता है? सर 4 से 5 दिन आपको वेट करना होगा, इसके बाद जो उसमें ऑप्शन आया ना सर पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डाल के फिर लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर पैन नंबर आधार नंबर डाल देने के बाद 4 से 5 दिन और वेट करना पड़ेगा लिंक होने तक? नहीं लिंक हो जाएगा सर तुरंत तुरंत जैसे चालान का अपडेट हो। जी बिल्कुल उसमें फिर लिंक हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा जी। डाटा बेस में सर फिर बाद में प्रॉब्लम आई डाटा बेस में होने की वजह से लिंक नहीं किया गया? नहीं लिंक आपका हो जाएगा सर, आप उसमें फिर आपको करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा, पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम डिफरेंट है तो आपको करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा पूरा जी। सर करेक्शन के लिए भी तभी अप्लाई हो पाएगा जब पैन आधार दोनों एक दूसरे से लिंक हो? ठीक है तो इसीलिए सर ये ऑप्शन दिया गया है ना लिंक करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन को अपडेट किया गया, पहले आप लिंक कीजिए, लिंक होगा इसके बाद आपका पैन कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पुरान जी। ठीक है सर, लिंक हो जाएगा, कल पेमेंट कीजिए लिंक हो जाएगा सर जी। थैंक यू सर जी, इसके अलावा और कुछ? वेलकम सर जी, अगर संपर्क करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। थैंक यू सर।